हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद टियास मॉम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी फास्ट रेसिपी जो कि ब्रेड से बनी होगी। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं चॉकलेट फिल करके उसको एक लावा ब्रेड का उस तरह से बनाऊंगी। चलिए देखते हैं मुझे क्या करना है। ये देखिए मेरे पास ये एक ब्रेड का पीस है, ठीक है। अब मुझे इसे सर्कल शेप में काटना है, तो मैंने एक कटोरी लिया है और कटोरी से मुझे इस तरह से करना है। देखिए मैंने इसको इस तरह से प्रेस किया और बाकी के जो साइड से हैं मुझे उसे ऐसे निकाल देना है। ये देखिए देखिए इस तरह से निकल आया ना। इस तरह से हम और भी सर्कल इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए सर्कल निकल आया ना। इस तरह से हम बाकी के सर्कल भी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 4 सर्कल मैंने निकाल लिए हैं। आप देखिए हमें क्या करना है, ये मेरे पास ये जो डेरी मिल्क का जो होता नहीं है चॉकलेट्स, इस तरह से हमें ऐसे इसको बीच में रखना है। जो नॉर्मल जो डेरी मिल्क होता है, तो मैंने ये नॉर्मल जो डेरी मिल्क होता है सिल्क का, उसी को यूज़ किया है। आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, देखिए देखिए मैंने इसमें रखा है। अब हमें क्या करना है, ब्रेड के चारों साइड में मुझे हमें इस तरह से पानी लगा देना है उसको चिपकाने के लिए, और इस तरह से हम इसमें ये देखिए जैसे गुजिया बनती है ना, उस तरह से हमें इसमें गुजिया का शेप देना है। अब दूसरा भी हम इसी तरह कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए जो मेरे ये ब्रेड वाले चॉकलेट वाले जो गुजिया शेप वाले ब्रेड्स हैं वो बनकर मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये जो मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं जिसको मैंने साइड से अलग करके निकाला था, उसे मुझे फेंकना नहीं है। इसको मैं मिक्सी में पीस कर इसके ब्रेड क्रम्स दूसरी जगह में मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। आइए अब इसको हम शैलो फ्राई करते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। मैंने ये गैस में पैन रख दिया है, तो जब तक मेरा पैन गर्म होता है, चलिए हम लोग एक काम करते हैं। तो मैंने जो ये ब्रेड्स वाले जो गुजिया बना के रखे हैं उसमें मैं थोड़ा सा इसमें ऐसे ऐसे हल्का हल्का थोड़ा बटर लगा देती हूँ। सब में इस तरह से मैं बटर लगा देती हूँ। देखिए मैंने सब में इस तरह से बटर लगा लिया है ना। अब आइए इसको मैं शैलो फ्राई करती हूँ। बटर वाले साइड को नीचे की तरफ, इसे मुझे एकदम लो फ्लेम में एकदम क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। ये देखिए एकदम लो फ्लेम में होना चाहिए, वरना जो होगा क्या, जो बटर होगा वो ऊपर से थोड़ा सा जल जल जाएगा, लेकिन अंदर से जो चॉकलेट है वो मेल्ट नहीं हो पाएगा। इसे थोड़ी देर के लिए हम ऐसे लो फ्लेम में इसे हम सेकते हैं। तो जब तक हमारा ये नीचे से सिक रहा है, तब तक ये ऊपर वाले पोर्शन में भी मैं इस तरह से बटर लगा देती हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से आपको करना है।